हे गाइस, आई एम निकॉन एंड यू आर वाचिंग अनन 2.0। सो मैं बहुत दिनों बाद, लगभग 1.5 साल बाद मैं वापस आया हूँ। मैं ये सीरीज आ रहा है, मैं लाया हूँ कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। मैं एकदम स्टार्टिंग से जाऊँगा, हर संडे को एक वीडियो आएगी और धीरे 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 हम लोग इसमें एडवांस में जाएंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि हर संडे को मैं वीडियो डालूँ। ठीक है, तो अभी मैं कंप्यूटर नेटवर्क को शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी कमी लगे वीडियो में तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्किंग जान रहा तो पहले नेटवर्क क्या होता है ये तो जान लो, है ना। तो नेटवर्क क्या होता है कि सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, या दिस इज इट, यही कंप्यूटर नेटवर्क होता है हमारा। ठीक है, तो अलग अलग कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया हमने, उसी वही कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। ठीक है, जैसे कि इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसी तरह से, बाई मीन्स ऑफ एनीथिंग, ऐसा कनेक्टेड हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ये नेटवर्क में आ गया। ठीक है, यही है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मुझे भी लगा था बहुत बड़ा कुछ होता होगा, लेकिन लिटरली यही होता है कि अलग अलग कंप्यूटर को कनेक्ट कर दो और बस वही कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। अब ये कनेक्शन किसी भी तरह से वायर्ड हो, वायरलेस हो, वाईफाई हो, मतलब ये कुछ भी हो। ऐसा आपको पता है कि जो हमारा इंटरनेट है ना, वो भी वायर्ड ही है अल्टीमेटली। उसको पूरा समुद्र में पूरा वायर्स बिछाए हुए हैं, पूरा वर्ल्ड को कनेक्ट किया हुआ है, फिर वहां से कनेक्शन हम लोगों को मिलता है। तो कुछ वायरलेस चीज़ें कुछ ही रेंज तक काम करती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहले हम जानेंगे आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा प्रोटोकॉल्स, और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानने जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क, नेटवर्किंग, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क, हाउ कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं स्पुतनिक से। ठीक है, स्पुतनिक का जब लॉन्च हुआ था, स्पुतनिक का जो लॉन्च हुआ था 1957 में, तो यूएस में हुआ था खलबली, क्योंकि तो यूएसएसआर ने लॉन्च किया था। यूएसएसआर आज का रशिया है कह सकते हो, वो पूरा कम्प्लीटली वही नहीं है लेकिन वही है। ठीक है, यूएसएसआर है, यूएसएसआर ने स्पुतनिक लॉन्च किया। उसके बाद यूएस में हुआ कि ये फर्स्ट कैसे आ गया, मतलब उसने पहली सबसे पहला बन गया जो कि सेटेलाइट स्पेस पहुंचाया था। तो यूएस को हुआ कि भाई इसने पहले कैसे कर दिया, तो यूएस ने क्या किया ना कि अपना फंडिंग बढ़ा दिया। ये इसका इंटरनेशनल लेने का देना नहीं है, ये बस आग में घी का काम दिया। ठीक है, ये आग लगाया है और यूएस अपना उछल के अपना इंटरनेट को इस्टेब्लिश किया, वो बस आग का काम किया है। तो यहाँ पे यूएस ने क्या किया, अपना फंडिंग को बढ़ा दिया, फंड्स को बढ़ा दिया। उसके बाद ये फंड्स बढ़ने के बाद फॉर्म किया आरपा का। आरपा एक ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, आरपा क्या था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी था। इसने क्या किया कि इसका प्राइम मोटिव था कम्युनिकेशन को बेहतर करना और डिफेंस को बेहतर करना। ठीक है, इसका प्राइम मोटिव कम्युनिकेशन और डिफेंस को बेहतर करना था। सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी के जितना पहुंचने के लिए इसने आरपा का फॉर्मेशन किया। ठीक है, आरपा को बाद में दो पार्ट से डिवाइड हो गया, वो हम लोग आगे जानते हैं अभी अभी। तो सबसे पहले क्या हुआ ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे 1961 में। ठीक है, 1958 में ये हुआ, 1961 में क्या हुआ कि लियोनार्डो क्लियन रॉक जो थे एमआईटी के, एमआईटी में जो थे, इन्होंने क्या किया कि एक पेपर एक पब्लिश किया पैकेट स्विचिंग थ्योरी के बारे में। ठीक है, इन्होंने दिया पैकेट स्विचिंग थ्योरी। पैकेट स्विचिंग थ्योरी क्या था, ये क्या था पैकेट स्विचिंग थ्योरी, कि इसमें ना एक डेटा सेट है। ठीक है, डेटा सेट जो कि 01 01 01 के फॉर्म में है, 01 01 10 00। ठीक है, ये मान लो हमारा एक डेटा है। वैसे भी कंप्यूटर जो है तो हर डेटा को बाइनरी फॉर्म में समझता है, तो ये हमारा डेटा है। इस डेटा को उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसके हिसाब से हम लोग अलग अलग डेटा पार्ट्स में बांट सकते थे। ठीक है ना, तो इसमें क्या था कि इसको अलग अलग हिस्सों में बांट के काट के और फिर एक अलग अलग पैकेट्स में डाल दो, अलग अलग पैकेट्स में डाल दिया एक
01 को इस पैकेट में डाल दिया, 01 को समझो, मैं बेसिकली मैं समझा रहा हूँ पैकेट स्निचिंग थ्योरी क्या था, कि डेटा को ब्रेक करो, अलग अलग पैकेट्स में डाल दो और उस पर ट्रांसमिट कर दो, और फिर जो आप तो वो पहुंचेगा तो फिर वो रीअसेंबल हो जाएगा और फिर वो डेटा को शो कर देगा, ठीक है। तो यही था पैकेट स्विचिंग थ्योरी, डेटा को तोड़ो एक जगह पे, दूसरे जगह पे जाओ और वहाँ पे रीअसेंबल कर दो, ठीक है। ये थ्योरी दिया था MIT के एक आदमी ने, अब प्रोफेसर था स्टूडेंट था मुझे नहीं पता, तो वो पैकेट स्विचिंग थ्योरी को लाया गया था। उसके बाद लॉरेंस रॉबर्ट ने क्या किया कि दो कंप्यूटर्स को 1965 में दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, TX2 और Q32। इन दो कंप्यूटर्स को लॉरेंस रॉबर्ट या रॉबर्ट लॉरेंस ऐसा कुछ था ना, तो उन्होंने कनेक्ट कर दिया दो कंप्यूटर्स को, TX32 Q32, एक कैलिफोर्निया में था और एक मैसेच्यूट्स में था। इन दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया थ्रू द टेलीफोन लाइन जो था उसके थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये पहला कनेक्शन बना, ठीक है। इसको पहला नेटवर्क बोल सकते हैं हम लोग, कंप्यूटर के बीच का, दो कंप्यूटर के बीच में पहला नेटवर्क बना। 1966 में क्या हुआ उसका, 1966 में आरपा ने 1966 में आरपा आया। अब देखो भाई, अब MIT वाले ने कुछ कर दिया तो गवर्नमेंट को भी तो कुछ करना था ना, तो उसी तो आरपा ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। 1966 में आरपा ने अपना डिवाइड कर दिया अपने आप को दो पार्ट्स में। तो 1966 में आरपा ने क्या किया, डिवाइड किया अपने आप को, एक किया IPTO। IPTO इसका प्राइम मोटिव था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्निक ऑफिस। इसका मेन काम था क्या था, इंटरकनेक्ट नेट कंप्यूटर के बीच में मल्टीपल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना। मतलब पहले तो एक ही कंप्यूटर कनेक्ट हुआ था ना, दो कंप्यूटर TX2 और Q32 कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया था, लेकिन इसका क्या मोटिव था कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर देना। तो इसको बाद में हम लोग बोलने लगे आरपानेट, इसका नाम बाद में चेंज हो गया और इसको आरपानेट बोला जाने लगा, ठीक है। और इसका जो डिफेंस वाला पार्ट था वो डारपा देखने लगा, ठीक है, डी फॉर डिफेंस इसमें है, ठीक है। आरपा नेट का काम यह हो गया कि इसने अब क्यों इंटरकनेक्शन बिटवीन नेट, ये नेटवर्क नहीं काम करेगा समझो एक तरह से, इसलिए इसको आरपा नेट, लास्ट नेट फॉर नेटवर्क, ठीक है। तो अब आरपा नेट जब आया तो उसने एक पेपर पब्लिश किया ACM सिम्पसन में, ठीक है ना, एक प्लान लाया कि एक प्लान अपना दिखा बताया कि कनेक्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अलग अलग जैसे मान लिया कैलिफोर्निया है, सेंट बारबा है, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट को हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब जैसे एक मान लो MIT हो गया, MIT को कनेक्ट करेंगे हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साथ, इस तरह से वो अलग अलग कनेक्शंस बनाने का शुरुआत किया। ये इन्होंने पहले तो पब्लिश ही किया था, और उसके बाद 1967 में ये किया पब्लिक पेपर, ये अपना आइडिया रखा। 1968 में इन्होंने एक प्रोसेसर बनाया, ठीक है, IMP इन्होंने बना दिया, इंटरफेस मैसेजिंग प्रोसेसर। ये एक मैसेजिंग प्रोसेसर था, ठीक है, IMP बनाया। और फिर 1968 में IMP बनाया, 1969 में इन्होंने एक्टिवली काम करना शुरू कर दिया। पहला मैसेज इन्होंने 1969 में भेजा। उससे पहले 1969 में क्या हुआ ना, इन्होंने चार इंस्टीट्यूट्स के साथ कनेक्शन बनाया, ठीक है। एक था UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैंट बारबा, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक था यूनिवर्सिटी ऑफ उता उता, ठीक है। तो इन चारों के बीच में इन्होंने कनेक्शन बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने कनेक्शन बना दिया ना, तो UCLA से स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्होंने मैसेज भेजा यहाँ से यहाँ, ठीक है। मैसेज था लॉग इन का, ठीक है, लॉग इन का मैसेज भेजा। लेकिन ये पहला अटेम्प्ट था मैसेजिंग का, तो यहाँ पे केवल L और O ही जा पाया था, उसके बाद सिस्टम क्रैश हो गया। अब जब सिस्टम, उसके बाद मैं सिर्फ मेजर मोमेंट्स में ही ले रहा हूँ, मैं सारे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, तो ये बहुत इसका जाना उतना इम्पोर्टेंट, बस इम्पोर्टेंस इसलिए कि हम लोग को हिस्ट्री पता होना चाहिए, पता कैसे कैसे शुरुआत हुआ, एक बेसिक हिस्ट्री पता होना चाहिए। 1971 में
1971 में क्या हुआ कि रे टॉमिल्सन आए, रे टॉमिल्सन और आईएमपी का ही यूज करके, ठीक है, उन्होंने मेल सिस्टम बना दिया, मेल सिस्टम बना दिया, ठीक है। ये भी वही काम करते थे, आरपानेट के ही आदमी थे ये, आईएमपी जो बनाया गया, आईएमपी का आरपानेट में ही काम करते थे ये, मतलब आरपानेट के ही एक अंदर में थे। तो मेल सिस्टम जब बनाया ना आरपानेट ने, मेल सिस्टम को बनाया गया और इसको ईमेल नाम दिया गया, क्योंकि ओवर द इलेक्ट्रिसिटी ये भेजा जा रहा था, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल नाम दे दिया गया, ठीक है। तो जब आरपानेट ने मेल सिस्टम बनाया तो ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया, ठीक है, ये हो गया वर्ल्ड वाइड फेमस, पूरे वर्ल्ड में इसको जाना जाने लगा। अब ये क्या, अब इसका काम क्या था, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, ठीक है, अलग अलग, ये शुरुआत में क्या करने लगा ना कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करने लगा आपस में, ठीक है। बाद में आए 1973 तक ये चला। 1974 में क्या हुआ, दो साइंटिस्ट आए, विंटकर्फ और बॉब कैन, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक पेपर पब्लिश किया जिसमें इन्होंने बताया कि टीसीपी से, हम टीसीपी के बारे में पेपर पब्लिश किया गया, ट्रांसमिशन सबमिशन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसके बारे में पेपर पब्लिश किया गया और इसको धीरे धीरे एक्टिवली यूज कर, ये उतना एक्टिव नहीं हुआ स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जो था ये ना समझो कि पोस्टमैन था, ठीक है, एड्रेस का काम कुछ कर, मतलब समझो ना, टीसीपी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं ना, बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते हैं रूल्स, सब डिफाइन, सम डिफाइंड रूल्स होते हैं जिसपे कि इंटरनेट में मैसेज भेजे जाते हैं, ठीक है, ये डिफाइंड रूल्स होते हैं, तो प्रोटोकॉल्स उन्हीं को बोलते हैं। प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे आगे, अभी एक बस बेसिक बेसिक हिस्ट्री आप लोग जान लो। तो टीसीपी क्या किया कि इसने मैसेजेस भेजना, मैसेजेस भेजने का रास्ता बना दिया, ठीक है, समझ लो कि ये पोस्टमैन की तरह इसने यहाँ से चिट्ठी उठाएगा, वहां से चिट्ठी डालेगा, लेकिन कहाँ से उठाना है, कहाँ से डालना है, ये इसको पता नहीं था। तो 1978 से लेके 1981 तक इस पे काम हुआ कि एड्रेसिंग कैसे हो। 19 इस बीच में टीसीपी दो, टीसीपी को और भी एक इसका पार्ट बन गया, एक कहा जा गया टीसीपी, एक को कहा गया आईपी। ये काम करता था नेट, ये काम नेटवर्क का काम करता था, ये कनेक्शन बैठाता था, और एड्रेस, आईपी एड्रेसिंग का काम करता था, ये एड्रेस बनाएगा, ठीक है। आईपी एड्रेस आप लोग देखा होगा 192.168 इस टाइप का कुछ आईपी एड्रेस होता है, ठीक है ना। तो ये आईपी, ये एड्रेसिंग का काम करने लगा आरपा, जो सर टीसीपी, ठीक है। अब क्या हुआ ना, इन सब चीजों के बाद टीसीपी जो है पूरा क्या ना वर्ल्ड फेमस तो हो ही चुका था। अब जो है इंटरनेट टर्म जो है वो यूज आया किया गया, ये नहीं इंटरनेट टर्म, अब क्या हुआ कि डोमेन नेम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। जब वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया हुआ था, तो जब आईपी आया तो हर जगह का आईपी एड्रेस को याद रखना बहुत टफ हो जाता, कि मान लो कि मेरे पास 10, मेरे पास, मैं मान लो कि मेरे पास अगर 20, 30 या 100 आदमी है और हर का एक मोबाइल नंबर है, तो मैं सभी का मोबाइल नंबर याद तो नहीं कर सकता, कुछ का याद रख सकता हूँ, सभी का याद तो नहीं कर सकता। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक सिस्टम आया, एक सिस्टम बनाया गया डीएनएस, ठीक है। जब मैसेजेस भेजे जाएंगे तो आईपी एड्रेस से भेजे जा रहे थे, लेकिन आईपी एड्रेस याद करना बहुत मुश्किल था, तो डीएनएस इज जस्ट लाइक सेविंग द मोबाइल नंबर इन योर फोन, ठीक है। तो डीएनएस क्या था कि जैसे मुझे कोई मोबाइल नंबर याद रखना है तो मैं उसका नाम लिखता हूँ, जैसे मुझे कोई कार्तिक है तो कार्तिक का मोबाइल नंबर सेव करना, मैंने नंबर डाला, कार्तिक नंबर से सेव कर लिया। अब मैं जब भी सर्च करना चाहूंगा, मैं जब भी चाहूंगा तो मैं कार्तिक सर्च करूंगा, मोबाइल नंबर नहीं, मैं कार्तिक को फोन लगाऊंगा उस नंबर पे नहीं। सिमिलर चीज हुआ डीएनएस के साथ। डीएनएस में क्या हुआ कि google.com, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ google.com, तो google.com क्या है ना, ये डोमेन नेम है, ये इसका डोमेन नेम है। डोमेन नेम में ये काम नहीं करता, डोमेन नेम ये नहीं है, मतलब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने पिंग किया था, अगर मैं फिर से पिंग गूगल कर दूँ तो पिंग गूगल डॉट कॉम अगर करते हैं हम लोग, तो यहाँ से रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, इस आईपी से आ रहा है, इस आईपी से रिप्लाई आ रहा है, ना कि गूगल डॉट कॉम। गूगल डॉट कॉम बस डोमेन नेम है, ठीक है, वैकेंड पे आईपी चल रहा है, ठीक है। तो इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी एक तरह से प्रोटोकॉल की तरह भी काम करता है ये, और ये डेटाबेस की भी तरह काम करता है, उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे क्या होता है कैसे होता है। तो ये काम किया हमारा
नेम चेंज करा, अब ह्यूमन रिमेम्बर फॉर्मेट में ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बहुत मेजर इवेंट होना शुरू हो गया। अब 1990 में आरपानेट को डिमोलिश कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया, मतलब इसको बंद कर दिया गया, आरपानेट को कंप्लीटली बंद कर दिया गया। इसके जगह पे लाया गया एनएसएफ नेट को, एनएसएफ नेट को लाया गया आरपा नेट के जगह पे। जब एनएसएफ नेट आया तो ये 1990 में आया और 1995 में इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद कंप्लीटली कमर्शियलाइज कर दिया गया। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले एक इवेंट हुआ था इन दोनों के बीच में, डब्ल्यू 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 का आया, डब्ल्यू 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 को खोजा गया बर्नर, टीम बर्नर ली के द्वारा। इन्होंने दुनिया का पहला वेबसाइट बनाया। इससे पहले क्या होता था ना, अगर मैंने कोई फाइल भेजा ना, तो यहाँ पे अगर कुछ फाइल में लिखा हुआ है तो इसके अंदर में हाइपर लिंक्स में नहीं, हाइपर लिंक्स क्या होता है मैं दिखाता हूँ। हाइपर लिंक्स होते हैं ये, जैसे ये मशीन है, ये हाइपर लिंक है, मतलब इस फाइल के अंदर में भी अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं एक लिंक में चला जाऊंगा, है ना, इसके अंदर फिर क्लिक करूंगा तो फिर एक लिंक पे चला जाऊंगा, मतलब ये हाइपर लिंक है, मतलब फाइल के अंदर भी एक दूसरे फाइल का लिंक अटैच है, उसके अंदर भी दूसरे लिंक अटैच है। तो ये सिस्टम जो था वो पहले नहीं था, वो डब्ल्यू 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 ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया। और ये हमारा पहला वेबसाइट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, दुनिया का पहला वेबसाइट हमारा इंट्रोड्यूस हुआ डब्ल्यू 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 के द्वारा। ठीक है, ब्राउज द फर्स्ट वेबसाइट, तो ये हमारा दुनिया का पहला वेबसाइट है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको पब्लिक डोमेन में 1993 में डाल दिया गया, 1993 या 1996 में इसको पब्लिक डोमेन में डाला गया था, उससे पहले तक ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ से आया वेबसाइट्स का शुरुआत हुआ। ठीक है, लेकिन सर्च इंजन्स नहीं थे, ब्राउजर्स नहीं थे, पहले ये चीज़ें होते थे कमांड लाइन पे, कमांड पैलेट पे होते थे, कुछ भी हो लो यहाँ पे होती थी सारी चीज़ें, तो वो टफ होता था। तो 1993 में, ठीक है, 1993 में एनसीएसए ने, नेशनल कंप्यूट नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, एनसीएसए ने वेब ब्राउजर लाया, इसका नाम रखा मोजाइक वेब ब्राउजर। ठीक है, इसका क्या, इसने क्या किया कि हमारे काम को आसान कर दिया, कैसे, सर्चिंग को आसान कर दिया, क्योंकि हम लोग अब विंडो, अब हम लोग सर्च कर सकते थे, इंटरफेस, यूजर इंटरफेस को इनहेंस कर दिया। ठीक है, अब मैं जैसा कि मैंने बोला था 1993 में यह आया, 1995 में इसको कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन हो गया, पूरे इंटरनेट का प्राइवेटाइजेशन। अभी तक ये गवर्नमेंट देख रहा था यूएस का, अब ये प्राइवेट कंपनीज के हाथ में चला गया। प्राइवेट कंपनीज जैसे गूगल डॉट कॉम हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, ये कंप्लीटली अब ये इंटरनेट का जो कारोबार है, जो इंटरनेट का संभाल रहा है, सबसे पहले शायद शायद आईबीएम, मैं श्योर नहीं हूँ, सबसे पहले आईबीएम था उस वक्त, शायद आईबीएम कंपनी के पास वो गया था, शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो यहाँ हमारा हिस्ट्री खत्म होता है, ये प्राइवेटाइजेशन हो गया हुआ 1995 में, और आज तक ये प्राइवेट कंपनीज के हाथों में है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जानेंगे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर देना, ताकि मुझे एटलीस्ट पता चले कि हाँ मुझे इंप्रूव करने की और ज़रूरत है अपने कंटेंट को, या फिर कंटेंट को, या फिर क्वालिटी को, वीडियो क्वालिटी वो भी है, कुछ भी दिक्कत है कमेंट भी कर सकते हो आप। तब तक के लिए बाय गाइज, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी सीरीज में, अगले संडे।